पुंछ की तहसील मेंढर में मेंढर निडोल वाटर लिफ्ट स्कीम पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी है, जिससे हजारों लोगों को पीने के पानी की किल्लत से परेशान होना पड़ रहा है। रमजान के मुकद्दस महीने में इन लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। इस बीच लोगों ने सड़क पर निकलकर पीएचई विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस बीच पानी की किल्लत से न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशियों को भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। सरफराज चक, वक्त इंडिया, मेंढर, पुंछ। लिहाजा जो ये कुछ कम से कम 10 दिनों से इतनी किल्लत आ गई है कि एक इधर लिफ्ट सिस्टम है वो एक महीने के बाद ख़राब ही हो जाता है। पिछले महीने में ख़राब हो गया था, कम से कम उसको एक महीने के बाद मोटर जम्मू से बंद कराई थी, बोल रहे कि जम्मू से बंद कराती है, पता नहीं फिर क्या होता है क्या नहीं है। वो कर देते हैं खुद ही, यहाँ ये जो है खुद ही उसको जला देते हैं। और आज एक 10 दिन से फिर वही बात हो गई है, फिर बोल रहे मोटर जल गई है, उसकी पुली टूटी हुई है। कभी वो बोलते हैं, जो मैं कल खुद वहाँ गया उस पर लिफ्ट सिस्टम पर, बंदे ने जवाब दिया कि हम हाथ से थोड़ा चला सकते हैं इसको। तो आप सरकार से, सरकार ही ऐसी है, तो सरकार वो भी बोल रहे तो सरकार से यही कहना चाहते हैं सर के हमारी तंगी दूर करें। क्यों आवाम को क्यों भड़का के रोड पर क्यों निकाला हुआ है? रोड ही पर रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे जब तक हमारे को पानी नहीं मिलेगा। हम सब कम से कम हमारे को 1996 से दिया जा रहा है यहाँ पंप, हैंडपम्प देंगे, हैंडपम्प देते देते 2018 भी जा रही है। हमारे से सिर्फ वोट लिए जाते हैं कि हैंडपम्प दिया जाएगा, पर वो भी नहीं मिल रहा हमें। पानी चाहिए, नहीं तो कार जम्मू वाली जो गाड़ियाँ उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, माह रमजान का महीना है, पानी कोई नहीं है। कब से नहीं आ रहा पानी? पानी को तो 6 महीने हो गए, मगर एक महीना बहुत तंगी है। अच्छा, माह रमजान का महीना है, हम आज बहुत मुश्किल से हम रोड पर उतरे, तो कल से हमने जम्मू वाली गाड़ियाँ बंद कर दी। आपने महकमा से बात की तो महकमा का क्या जवाब? कोई बात कुछ नहीं, महकमा कुछ नहीं बोल रहा। क्या किया महकमा ने? पाइप दिए। अभी आप पानी कहाँ से ला रहे हो? हम वहाँ से चश्मे से ला रहे हैं।